आज हमारे साथ है वंदना जी और आपके साथ आज हम बनाएंगे होल व्हीट पैनकेक्स। तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए बनाते हैं। चलिए, इसके लिए हमें चाहिए आटा, बेकिंग पाउडर, पिसी हुई चीनी कैस्टर शुगर, हनी, शहद, मेपल सिरप, राइट, दही, अच्छा, दूध और तेल। तो अब हम लेते हैं इसमें आटा। कितना आटा लेंगे? हम लेंगे 4 बड़े चम्मच आटा। अच्छा, तो हम भी हेल्थ को मद्देनजर रखते हुए आटा यूज कर रहे हैं, नहीं तो ज्यादातर पैनकेक्स तो मैदे से बन जाते हैं। जी। इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर या सोडा अगर आप यूज करते हैं तो, और इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच दही के। जी। क्या दही और बेकिंग पाउडर का कोई केमिकल रिएक्शन होता है, कुछ सॉफ्टनेस में हेल्प करता है क्या? हाँ, थोड़ा सा फर्मेंटेशन में अच्छा, फर्क पड़ेगा। जो हम पैनकेक्स बनाएंगे वो थोड़ा फ्लफी होंगे, इसलिए हम बेकिंग पाउडर डालते हैं। हम इसमें डालेंगे दूध, दूध डाला हमने करीब 1 कप। जी। और अब इसको हल्के हल्के इसका बैटर बनाएंगे। जी। अब ये एकदम मिक्स हो गया। बिल्कुल, एकदम स्मूथ हो चुका है। जी। इसमें वो चमक भी आ गई है। जी। तो अब हम गैस को ऑन कर देते हैं पैन में। जी। नॉनस्टिक पैन में बनाएंगे हम ये। राइट। और नॉर्मल वेजिटेबल ऑयल यूज करेंगे। तो इसमें डालेंगे हम उतना ऑयल जिसमें हमारे पैनकेक शैलो फ्राई हो जाए। जी। तो वो डिपेंड करता है कि आपके पास पैन कितना बड़ा है, छोटा है तो कम डालेंगे, बड़ा है तो, और डिपेंड करता है कि आप पैनकेक्स कितने साइज के बनाना चाहते हैं। राइट। तो तेल गरम हो गया है और अब हम डाल देते हैं इसमें पैनकेक्स का बैटर। जी। तो हम इसको खाली पोर आउट करते हैं शेफ? जी, हम इसे पोर आउट कर सकते हैं, चाहे तो लैडल से चाहे तो सीधा बर्तन से। जी। और हम इतना मोटा ही बनाएंगे। जी। तो इस पैनकेक को पलट लेते हैं। ये देखिए कितना फ्लफी हो चुका है। जी। और बहुत ही लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। जी। तो यूज कर सकते हैं आप इस पैनकेक को एज अ ब्रेकफास्ट, एज अ स्नैक, कभी भी आप सर्व कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट में खासकर बहुत अच्छा है 1 कप दूध के साथ पैनकेक, होल व्हीट पैनकेक सर्व करें। और जैसे हम सर्व करेंगे इसे मेपल सिरप और हनी के साथ, बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे ख्याल से इससे अच्छी कोई ब्रेकफास्ट आइटम नहीं है जो आपको हेल्दी और तंदुरुस्त रखे। बिल्कुल, टू बी इन शेप। हाँ जी। तो देखिए ये हम इसको अच्छी तरह इसका तेल ड्रेन आउट कर लेंगे, चाहे तो इसे नैपकिन पे रख दें थोड़ी देर ताकि सारा एक्सेस फैट निकल जाए। जी। तो ये भी रख देते हैं यहाँ और इसे हम सर्व करेंगे मेपल सिरप। मेपल सिरप? जी। वो क्या सिरप होता है? तो मेपल सिरप, जैसे कनाडा के फ्लैग में मेपल लीफ है, तो एक तरह का दरख्त होता है, उसकी लीव्स होती हैं। अच्छा। उसी का एक्सट्रैक्ट होता है जी, जिससे हम ये मेपल सिरप बनाते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा होता है जी, हेल्दी है ये भी, बहुत हेल्दी है और खासकर ब्रेकफास्ट के लिए जो हम पैनकेक्स यूज करते हैं जी, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। ये कुछ हनी जैसा दिखाई दे रहा है। हाँ, हनी है लेकिन हनी से थोड़ा पतला होता है और इतना मीठा नहीं होता। जी जी। बात की आपने हनी की, शहद की, तो चलिए वो भी डाल देते हैं थोड़ा सा। ओ बढ़िया। तो लगता है ना डिलीशियस, बनाना चाहेंगी घर पे बच्चे के लिए? बिल्कुल बिल्कुल बनाना चाहूंगी और खाना भी चाहूंगी। थैंक यू वंदना जी, आप आई हमारे शो पे, बहुत अच्छा लगा हमें, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच शेफ, आपसे मैंने इतना कुछ सीखा। थैंक यू सो मच, हमने भी आपसे काफी कुछ सीखा। थैंक यू। तो तैयार है हमारा बहुत ही बेहतरीन और हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शन, स्नैक ऑप्शन और डेजर्ट ऑप्शन, होल व्हीट पैनकेक्स विद मेपल सिरप। होल व्हीट पैनकेक्स बनाने के लिए आपको चाहिए आटा 4 बड़े चम्मच, बेकिंग पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, दही 2 बड़े चम्मच, दूध 1 कटोरी, तेल 2 बड़े चम्मच, मेपल सिरप और शहद गार्निश के लिए। अब इस स्वादिष्ट पैनकेक को बनाने की विधि नोट करें। आटा और बेकिंग पाउडर एक बोल में डालें। अब दही और दूध को मिलाकर पैनकेक्स का बैटर तैयार करें। एक पैन में तेल गरम करें, बैटर को पैन में पोर करें और पैनकेक्स बनाएं। मेपल सिरप और शहद से गार्निश करें। तैयार हैं होल व्हीट पैनकेक्स।